जब से यूपी चुनाव की चर्चा शुरू हुई है तब से बनुवादी मीडिया लगातार बहुजन समाज पार्टी को दौर में सबसे पीछे बता रहा है। मीडिया लगातार बहाने ढूंढ ढूंढ कर बसपा के खिलाफ निगेटिव कैंपेनिंग कर रहा है और कहीं ना कहीं एक विपक्ष की तरह बसपा के साथ व्यवहार कर रहा है, जबकि जमीन पर हकीकत कुछ और है। बीते दिनों में तमाम दलों से, जिसमें भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल हैं, इसके तमाम बड़े नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया है और बसपा से चुनाव लड़ते हुए बसपा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके साथ ही बीते दिनों 10 राजनीतिक दलों ने, छोटे छोटे राजनीतिक दलों ने बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। यानी कुल मिलाकर देखें तो जिस तरीके से बसपा से जब एक कोई नेता किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी जोर शोर से व्याख्या करती है ये मीडिया, लेकिन वहीं जब बसपा के भीतर तमाम दलों से नेता आते हैं तो मीडिया ने इस पर चुप्पी साध ली है। इसको देखते हुए लग रहा है कि यह जो चुनावी गणित है और जो चुनावी सर्वे है, एक बार फिर से जब 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे चुनाव के, तो औंधे मुंह गिरेंगे। बीते दिनों में बसपा में क्या हलचल रही और किस किस दल से नेता बसपा में शामिल हुए हैं, उस पर देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। सिर्फ जनवरी महीने में विपक्षी पार्टियों को छोड़कर बसपा का दामन थामने वाले नेताओं की बात करें तो मुजफ्फरनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले यूपी के पूर्व गृह मंत्री श्री सईदुज्जामा के बेटे सलमान सईद कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हो गए हैं। बसपा ने उन्हें चरथावल विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह सहारनपुर जिले के पूर्व केंद्रीय मंत्री रसीद मसूद के भतीजे व इमरान मसूद के सगे भाई नुमान मसूद भी लोकदल छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए हैं। इनको बीएसपी प्रमुख मायावती ने गंगोह विधानसभा सीट से टिकट दिया है। गाजियाबाद में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के शुक्ला ने पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। बसपा ने उन्हें गाजियाबाद शहर विधानसभा प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। उनके साथ साथ भाजपा के पार्षद कृपाल सिंह भी बसपा में शामिल हो गए। तो इसी तरह हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर सीट से समाजवादी पार्टी के 3 बार के विधायक और सरकार में पूर्व मंत्री रहे मदन चौहान भी बसपा में शामिल हो गए। बदायूं जिले से भी एक खबर है। बदायूं जिले में बिलसी विधानसभा की सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य ममता शाक्य सपा छोड़कर बसपा में शामिल हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से हाल ही में निर्भया कांड की वकील सीमा कुशवाहा ने भी बसपा प्रमुख मायावती से मिलकर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा भी भाजपा, सपा और कांग्रेस से जुड़े तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। बसपा के लिए एक उपलब्धि यह भी रही कि हाल ही में 10 राजनीतिक दलों ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बसपा को समर्थन दिया है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने खुद इसकी घोषणा की है। बसपा को समर्थन देने वाले दलों में इंडिया जनशक्ति पार्टी, 85 परिवर्तन समाज पार्टी, विश्व शांति पार्टी, संयुक्त जनादेश पार्टी, आदर्श ग्राम पार्टी, अखंड विकास भारत पार्टी, सर्वजन आवाज पार्टी, आधी आबादी पार्टी, जागरूक जनता पार्टी और सर्वजन सेवा पार्टी का नाम शामिल है। बसपा में शामिल होने वाले तमाम नेता बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती को एक बार फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। उनकी उम्मीदें कितनी सही साबित होगी या नहीं होगी, यह तो 10 मार्च को चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से मनुवादी मीडिया लगातार बसपा को बदनाम करने की और सबसे पीछे दिखाने की होड़ में लगा हुआ है, वह पूरे भारतीय समाज के चेहरे को बताता है।